सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोग्राफ। और अब हम अगला लेक्चर जो स्टडी करने वाले हैं वो है टाइफाइड। हमने कैंसर पूरा पढ़ लिया है, अब टाइफाइड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। टाइफाइड को उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वन मोदी जरा। अब टाइफाइड की बात की जाए तो ये कौन सी बीमारी है? ये टाइफाइड है एक बैक्टीरियल डिजीज। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, वो डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसको हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। अभी टाइफाइड बीमारी आई कहां से? जैसे अभी हाल ही में COVID-19 हुआ था तो लोग कह रहे थे कि चाइना से आया, यहां से आया। तो ये टाइफाइड कहां से आया है? टाइफाइड आया है एक मेरी मेलन नाम की एक लेडी थी जिनका निकनेम था टाइफाइड मेरी था उनका निकनेम। वो एक कुक, एक खाना बनाने वाली थी, वो होटल के अंदर खाना पकाती थी। एंड ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड। सबसे पहले टाइफाइड उनको हुआ और वो इलाज नहीं करवाया उन्होंने, और उसकी जगह वो टाइफाइड फैलाती रही वो टाइफाइड फैलाती रही और बहुत सालों तक फैलाया उन्होंने टाइफाइड फॉर सेवरल इयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। जो खाना वो तैयार करती थी, कुक करती थी, लोग खाने के लिए आते थे। अब जाहिर सी बात है जब कोई कैरियर यानी कि जिस इंसान को बीमारी वो वाली होती है टाइफाइड, वो जब खाना पकाएगा तो यूटेंसिल्स के अंदर उसके हाथ लगेंगे, हर चीज होगी, तो वो बैक्टीरिया वगैरह हर चीज उसके अंदर खाने में आ जाती थी। लोग खाना खाते थे उसके हाथ का और फिर उन लोगों को भी टाइफाइड हो गया है थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, उसके खाने से बहुत सालों तक। अब टाइफाइड क्या होता है अगर अपन इसकी बात की जाए तो इट इज ए टाइप ऑफ फीवर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में ये एक तरीके का बुखार है, बुखार आ जाता है इंसान को। अगला पॉइंट है पैथोजन। भैया पैथोजन क्या होता है? पैथोजन होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं पैथोजन मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी फैलाते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन्स। तो इसका पैथोजन क्या है? इसका पैथोजन है सेल्मोनेला टाइफी। क्या? सेल्मोनेला टाइफी। सेल्मोनेला टाइफी जो पूरा है, सेल्मोनेला है इसका जीन है, तो टाइफी है इसकी स्पीशीज। तो जो बायोलॉजिकल रूल के हिसाब से जो आप लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया होगा, जीनस का नाम आता है कैपिटल लेटर से और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर आता है स्मॉल से, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। सो दैट इज द पैथोजन ऑफ टाइफाइड इज सेल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट पॉइंट है अभी अपनी बॉडी में आता कैसे? इट एंटर्स द बॉडी थ्रू द फूड एंड वॉटर विच इज कंटेमिनेटेड बाय देम। जो हमने बात की थी ऊपर, ये अपनी मेरी मेलन, इसने जो खाना तैयार किया था उसके अंदर बैक्टीरिया आ गया था। तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि वो फूड जिसके अंदर ये बैक्टीरिया आ जाता है उससे ही बीमारी कॉज हो जाती है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको टाइफाइड है, अब उसके हर चीज अलग रखी हुई है, खाने का सामान उसका, यूटेंसिल्स उसके, ग्लास पानी का, हर चीज अलग रखा हुआ है उसका। अब आप उसके यूटेंसिल्स को यूज में ले लोगे अपने तो आपको भी हो जाएगा। इट एंटर द बॉडी थ्रू द फूड एंड वाटर विच इज कंटेमिनेटेड बाय देम। देम का मतलब होता है कैरियर, कैरियर जो है जिस इंसान को बीमारी हुई है ये वाली। नेक्स्ट पॉइंट है इट जनरली एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एंटर हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने के बाद ये हमारे पूरी बॉडी में कहीं भी माइग्रेट हो सकता है। ये मोबाइल होता है यानी कि इधर से उधर जाने वाला, और जाता किससे है ये, किसके सहारे जाता है? दैट इज ब्लड।
ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी जा सकता है और टाइफाइड कहीं भी कॉज हो सकता है आपको। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। भैया अगर आपको बीमारी हो गई तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, अपन को कैसे मालूम होगा कि ये सिम्टम्स होते हैं इसके? तो सिम्टम्स हैं इसके सस्टेन्ड हाई फीवर, दैट इज 39 to 40 degrees। इंसान को बुखार रहेगा हमेशा, कंटिन्यू बुखार रहेगा उसको, और वो 39 to 40 degrees होगा उसका टेम्परेचर। नेक्स्ट इज वीकनेस, हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी आपको बहुत, स्टमक पेन, पेट के अंदर दर्द होगा आपके। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज हो जाएगी आपको फीकल मैटर आपका, या सिंपल लैंग्वेज में कहे पोटी आपकी सही नहीं हो पाएगी, आप टॉयलेट के अंदर सही तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट इज हेडेक, सर दर्द, सबको पता है लॉस ऑफ एपीटाइट, ये हमने कैंसर में भी बात की थी, इसकी भूख नहीं लगेगी आपको, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, आपका कुछ भी चीज खाने का मन नहीं होगा। तो अब अगर हम इसके डायग्नोसिस बाद में आएगा, मान लीजिए कि ये सब हो गया किसी पेशेंट को, अब अपन उसको दवाई गोली के सहारे ठीक कर सकते हैं, मगर किसी का मान लो बहुत ज्यादा सीवियर केस हो जाए, खतरनाक केस हो जाए, उसको बहुत ज्यादा टाइफाइड उसके सर पे चढ़ जाए, तो उस केस में क्या होता है, मैं ऊपर का इरेज करूंगा, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें, तो फिर अब अगर हम इन सीवियर केसेस, मैं लिख रहा हूं यहां पर इन सीवियर केसेस, नेक्स्ट पॉइंट है ये, इन सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन। अब भैया ये परफॉर्मेशन क्या होता है, हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना आज तक। परफॉर्मेशन को अगर अपन सिंपल वर्ड की बात की जाए तो परफॉर्मेशन को हम कहते हैं पोर्स, यानी के छेद हो जाना, छोटे छोटे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे से पोर्स ओपन हो जाते हैं उसके, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है, इट इज डेथ कॉजिंग डेथ। अगर अब ये सब कुछ हो गया, अब अगर अपन इसके डायग्नोसिस की बात की जाए, इसका डायग्नोसिस क्या होता है, हमने कैंसर के अंदर भी स्टडी किया था कि डायग्नोसिस किसको कहते हैं, डायग्नोसिस उसको कहते हैं कि अगर आपको कोई सी बीमारी हो जाए तो आपको ये बीमारी है या नहीं आपको मालूम कैसे होगा, कुछ भी रिपोर्ट जांच वगैरह उसको, तो इसके अंदर होता है विडाल टेस्ट। क्या होता है, विडाल टेस्ट। तो ये यहां पर आपका कैंसर टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है।